ओके सो अभी हम देखते हैं कुछ सेटिंग्स में क्या है। अच्छा इसमें ओएस जो है विंडोज 11 पड़ा हुआ है, आइए हम इसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में ये रहा, ये देख सकते हैं कुछ कुछ माई कंप्यूटर का प्रॉपर्टी। ओके ये सब इनबिल्ट था, क्या क्या ऑप्शन सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं। लाइक ये रहा यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स दिया है, सिस्टम ब्लूटूथ डिवाइस नेटवर्क है। ओके सो ये सब तो नॉर्मली जनरली होता है, लाइक विंडोज अपडेट का यहाँ फीचर दिया हुआ है, और ये मुझे लग रहा है ये तो ओएस का फीचर होता है जनरली। आप लैपटॉप का मेन चीज़ तो आप ये देख लीजिए कौन सा प्रोसेसर है, कोर i9 है, और ये आपका क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 16 GB रैम है, यस 16 GB रैम है यहाँ पे, यूजेबल आपको दिखा रहा है इतना यूज कर सकते हैं इसमें से। बाकी ये सब तो देखिए डिवाइस का होता है डिटेल। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट आता है 64 बिट, लेकिन 64 बिट का परफॉर्मेंस तो अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 11 है, ये 22x2 वर्जन है, मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल आइडिया नहीं है एक्चुअली। ओके तो अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि क्या क्या ये सब सारे ऑप्शंस मैं खोल के दिखाता हूँ, शायद किसी के काम का ये सब चीज़ें हो, मुझे नहीं पता कि कितने लेवल का किसके काम का आएगा। ये डोमेन एंड वर्क ग्रुप देख लेते हैं। ओके सो यहाँ पे इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं आप। सिस्टम प्रोटेक्शन में क्या क्या फीचर्स दिया है, ये है सिस्टम प्रॉपर्टीज़। ओके प्रोटेक्शन ऑन ऑफ, तो ये कुछ प्रोटेक्शन का भी फीचर दिया हुआ है इसमें। रिमोट एक्सेस है, एडवांस फीचर्स में क्या क्या है ये देख लीजिए। हार्डवेयर में इस तरह के कुछ कुछ दिया, डिवाइस मैनेजर के थ्रू आप सारे सेटिंग्स देख सकते हैं, कंप्यूटर का नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो ये तो नॉर्मल फीचर सारे सिस्टम्स में होते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग, ओके सो वही सारे हैं, वहीं से दिखा रहे हैं आपकी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइसेज में, तो यहाँ पर इस तरह के कुछ कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ इसमें वर्जन 5.2 है, और डिवाइस देखिए डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, प्रिंटर स्कैनर फोटो फोन लिंक, यस आप इसमें फोन भी लिंक कर सकते हैं, अपने फोन को अपने लैपटॉप के साथ में भी अपना उसका डिस्प्ले शेयर कर सकते हैं मोबाइल का यहाँ पे, और मोबाइल के कई सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। लाइक देखिए इंस्टेंटली एक्सेस योर एंड्रॉइड डिवाइस फोटोज टेक्स्ट एंड मोर, तो ये भी अच्छा फीचर है। कैमरा है, कैमरा देखते हैं कैसा इसका। ओके कैमरे का फीचर कुछ कुछ यहाँ दिया है। ओके इस FHD फीचर, ओके सो यहाँ का इस तरह के कुछ कुछ दिया है। एक्चुअली कैमरा मैंने देखा कि जो फोटो है वो 2.1 मेगापिक्सल है, और जो वीडियो है वो 1080 मैक्सिमम जाता है। ओके यहाँ पे कैमरा प्राइवेसी सेटिंग है, ठीक है। तो कैमरा सेटिंग से हम जब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट है हमारा माउस, टचपैड, टचपैड पे क्या क्या ऑप्शन है, कर्सर स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो ये सब सेटिंग्स तो मुझे लग रहा है इन जनरल ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी थ्री फिंगर गेस्टर क्या क्या करता है। ओके तो ये मुझे इसका एक फीचर बहुत अच्छा लगा, थ्री फिंगर से स्वाइप अप स्वाइप डाउन कर सकते हैं। लाइक देखिए ये ऐसे कुछ लाइक थ्री फिंगर का यूज़ करके आप देख सकते हैं, ये मैं थ्री फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, डाउन अप डाउन किया अप। सो ये कुछ कुछ फीचर्स दिया हुआ है, थ्री फिंगर गेस्टर है, इसको शायद ऑन ऑफ करने का भी है, स्विच ऐप एंड सो डेस्कटॉप। ओके यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, इस तरह के कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, नथिंग स्विच डेस्कटॉप एंड सो डेस्कटॉप, चेंज ऑडियो एंड वॉल्यूम, नहीं जो है वही रहने देते फिलहाल। ओके मल्टीटास्किंग व्यू ये सब भी कुछ है क्या चेंज करने का, नहीं। ओके सो एक तो हो गया थ्री फिंगर गेस्चर, अच्छा फोर फिंगर गेस्चर्स भी दिया है, क्या क्या है इसमें। ओके तो आपको एक तरह से थ्री फिंगर गेस्चर एंड फोर फिंगर गेस्चर दोनों दिया हुआ है। मोर टचपैड सेटिंग में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं। यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह के सेटिंग दिया हुआ है, पॉइंटर स्पीड, पॉइंटर ऑप्शंस, व्हील, ये तो एक्चुअली क्या ना सारे ओएस के फीचर, ये सारे में ही आता है जनरली, जिसमें भी 11 पड़ा हुआ है ना, ये मुझे लगता पड़ेगा। लेकिन ये जो गेस्चर है, गेस्चर फीचर तो मे भी हो सकता है डिवाइस डिपेंडेंट हो, और मे भी हो सकता है ओएस डिपेंडेंट हो, जो 11 यूज़ कर रहे होंगे दोस्तों उनको पता होगा। ओके यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्या क्या फीचर दिया है, कॉन्फ़िगर थ्री फिंगर गेस्चर, टैप स्वाइप, कॉन्फ़िगर फोर फिंगर, सो यहाँ पे हम सेटिंग भी कर सकते हैं एक्चुअली उसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट। ओके ये हमारे वाईफाई का नाम है, प्रॉपर्टीज़ में ये 5G था, ये तो हमारे वाईफाई का डिटेल एक्चुअली। इथरनेट कनेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शंस, ये कुछ कुछ यस कुछ किलर सीरीज का क्या है, इथरनेट कंट्रोलर कुछ किलर सीरीज का डाला इन्होंने, मुझे एक्चुअली इसके बारे में बहुत डिटेल आइडिया नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को जो आइडिया है और आप लोगों की जरूरत है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। एक्चुअली मेरा इसका दिखाने का बस एक ही मोटिव है कि मे भी हो सकता है किसी को इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए काम आएगा। ओके सो अभी नेक्स्ट मोबाइल हॉटस्पॉट, यस इसमें मोबाइल हॉटस्पॉट का भी ऑप्शन दिया, शेयर योर इंटरनेट कनेक्शन। एक्चुअली अभी जब से ये 11 आया ना, तब से मैंने बहुत सारे लैपटॉप में मैंने देखा एक्चुअली 11 नहीं, शायद उसके पहले भी कुछ फीचर्स थे लैपटॉप में जो आप उसको एज ए हॉटस्पॉट भी यूज कर सकते थे। एयरप्लेन मोड है, प्रॉक्सी है, डायनेमिक नेटवर्क है, एडवांस नेटवर्क सेटिंग में देख लीजिए क्या है। ओके सो यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं इंटरनेट, एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स में देखिए क्या क्या शेयर करने का एडवांस फीचर। एक्चुअली सेटिंग दिखाने का बस एक ही मोटिव है कि हर एक सेटिंग के बारे में सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या सेटिंग्स इसमें दिया है। वैसे मेरा इंटरेस्ट जनरली, मैं सेटिंग में थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ क्या क्या फीचर्स दिया है, वहाँ से पता चलता है कि वो लैपटॉप कितने लेवल तक का यूज़ कर सकते हैं हम। हार्डवेयर एंड कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में देख लीजिए। ओके सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया है जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, इतना डिटेल तो खैर मुझे भी आइडिया नहीं है एक्चुअली, लेकिन अच्छा ये हाँ इसको टू फिंगर से ना, लाइक टू फिंगर से आप देखेंगे तो वो डिस्प्ले अप हो रहा है, एक टू फिंगर से ध्यान रखिएगा, जस्ट टू फिंगर अप करेंगे तो टू फिंगर अप करने से ही ये थोड़ा देख सकते हैं डिस्प्ले ऐसा होता है, और टू फिंगर से ऐसा होता है। एक्चुअली सारे लैपटॉप में तो ऐसा नहीं होता, मेरा लैपटॉप था सोनी का भी था, HP का था, उन समय तो ऐसा नहीं था, बेसिक लैपटॉप थे तो उसमें नहीं था, ये गेमिंग लैपटॉप है तो मे भी हायर एंड का है तो इस वजह से इतना अच्छा दिया है। या जो एप्पल की बात आते हैं लैपटॉप, तो उन समय तो उनका क्या ही कहना है, दे हैव देयर ओन फीचर, ये शायद उनसे कुछ इंस्पायर होकर किया होगा इन्होंने, मैंने एक्चुअली एप्पल का लैपटॉप यूज़ नहीं किया कभी, सो मुझे आइडिया नहीं है सॉरी। ओके सो ये देख सकते हैं आप वाईफाई क्या है, लैन के बारे में क्या क्या डिटेल्स दिया है, नेम है, ब्लूटूथ वर्जन दिया है,
मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 क्या है मुझे नहीं पता, प्रॉक्सी यूनिट। ओके सो ये नेटवर्क से रिलेटेड सारा डिटेल्स यहाँ पे है। ठीक है अब हम आ जाते हैं बैक में आ गए हार्डवेयर डेटा यूजर हार्डवेयर एंड कनेक्शन प्रॉपर्टीज में, यही था क्या? हाँ तो इसी में थे। नेक्स्ट में है नेटवर्क रीसेट, नहीं करना हमें। मोर नेटवर्क अडॉप्टर ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिया है। ओके ये आप यहाँ से देख सकते हैं कनेक्शन, ये सब सेटिंग्स को एक्चुअली यार ये नॉर्मल सेटिंग्स है। अगर आपको कुछ प्रॉपर सेटिंग के बारे में जानना है तो आप उस तरह के यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं जो आपको पर्टिकुलर सेटिंग दिखा देगा। मैं फिलहाल इस लैपटॉप के ही फीचर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके सो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड पर्सनलाइज सेटिंग्स से आप देख सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड में क्या क्या आप चूज कर सकते हैं। ये रहा ओके पर्सनलाइज और पिक्चर भी बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, अपना फोटो भी डाल सकते हैं, ये सब तो नॉर्मल है, दैट्स नथिंग न्यू। ओके कलर्स थीम्स देख लीजिए कुछ इस तरह के थीम से, और ये एक्चुअली जो थीम पहले से लगा हुआ आया है ये वही है, और इसको देखिए एक्चुअली लगता है कि थोड़ा गेमिंग है या एडवांस लैपटॉप ऐसा फील आता है इसको देख के। तो कंट्रास्ट थीम भी कर सकते हैं आप। ओके लॉक स्क्रीन, यस लॉक स्क्रीन क्या क्या फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का ये लॉक स्क्रीन बना है। स्पॉटलाइट है, स्क्रीन टाइम आउट में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके एस्टिमेटेड देख सकते हैं बैटरी का 40% बैटरी है और 2 घंटा दिखा रहा है, इसका मतलब आप मान सकते हैं 4 से 5 घंटा एक्चुअली जो कि एवरेज रनिंग आवर्स होता है जनरली सारे लैपटॉप्स का, चाहे वो गेमर हो चाहे नॉन गेमर हो, क्योंकि नॉन गेमर होगा तो उस हिसाब से बनाया जाता है, गेमर है तो उस हिसाब से बनाया जाता है। सीधी बात इसके अंदर में लाइक फैन है, क्योंकि इतने सारे फैंस मैंने आपको दिखाया, कई सारे इसके आउटपुट पोर्ट्स फैन के एग्जॉस्ट के, तो फैन है आरजीबी लाइट्स हैं, तो बहुत तरह के, तो पावर कंजम्पशन इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज्यादा होता है। तो पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो बैटरी का रेटिंग भी ज्यादा होगा, बैटरी का रेटिंग ज्यादा है तो वॉच आवर उसी के हिसाब से रनिंग आवर्स घटता पड़ता है। सो ऐसा नहीं है कि आप ये मत मान के चलिएगा कि गेमर्स है तो ये उनसे बहुत ज्यादा चलेगा, लेकिन इनका कंजम्पशन भी बढ़ने लगता है ना पावर का, इस वजह से मुझे लगता है कि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो आप ये सब सेटिंग्स तो यूजुअल है आप कर सकते हैं नॉर्मल। बैटरी सेवर मोड भी इसमें दिया है एक्चुअली, ये सेक्शन मेरा दिखाने का एक ही मोटिव था कि आप समझ जाइए किस तरह का बैटरी चल सकता है इसका। जो गेमर्स हैं एक्चुअली उनको खेलते टाइम में उनको बैटरी बैकअप तो जरूरत पड़ता है, हमारे पावर सप्लाई चला गया तो उनको जरूरत पड़ता है। एडिटर्स हैं जो सॉफ्टवेयर एडिटर का काम करते हैं, वीडियो एडिटर्स यूज करते हैं, हैवी सॉफ्टवेयर जो करते हैं, सीधी बात है प्रोसेसर ज्यादा यूज करेगा, बैटरी ड्रेन आउट होगा, तो कितना तेज वो कंज्यूम करेगा उस हिसाब से ये दिखा रहा है आपका ग्राफ दिया है इन्होंने। स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, स्क्रीन ऑफ टाइम दिया है, सब दिया है इसमें पूरा डिटेल्स। ये देख लीजिए किस तरह का ये लाइक पावर कंजम्पशन का रेट दिया है, ये मैं अभी 2 फिंगर का ही स्लाइड करके कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं 2 फिंगर स्लाइड करने से ये कुछ कुछ इस तरह से जा रहा है। अब मैं ये 2 फिंगर स्लाइड कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके सो ये फीचर मुझे अच्छा लगा, मे भी हो सकता है पहले आप लोगों ने यूज़ किया किसी लैपटॉप में, बट ऐसा फीचर मैंने नहीं यूज़ किया था, सो मुझे अच्छा लगा। ओके गूगल क्रोम है, ब्लेंडर है, ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर थोड़ा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हैं ये 44 मिनट में लगभग 70% कंज्यूम किया है, ये 1 घंटा 10 मिनट में गूगल क्रोम आपका 50% के आसपास में बैटरी मतलब जो कंजम्पशन हुआ है वो कंज्यूम किया है, बैकग्राउंड में भी 15% खाया है। ओके सेटिंग में इस तरह का है माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव, अच्छा इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट मिला था, एमएस ऑफिस मिला या नहीं मिला, एक्चुअली इसमें इंस्टॉल तो है, प्री इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बट ये मैंने देखा था यूज़ करते टाइम में तो ये ना लाइक प्रीमियम पे करने के लिए मांग रहा था। अब देख लीजिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में दिखाना चाह रहा था कि किस तरह के पावर कंजम्पशन का इनका रेशियो है, less than 1% है। ओके सो अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भी जाने के लिए सिंपली डाउन करेंगे इसमें तो यहाँ पर जस्ट ऊपर मुख कर जाता है। ओके सो एनर्जी रिकमेंडेशन से देख लीजिए क्या क्या ऑप्शंस दिया है एनर्जी रिकमेंडेशन से, यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स है, एक्चुअली बैटरी सेटिंग्स मैंने देखा है काफी लोगों के लिए प्रायोरिटी होती है, सो मैं ये दिखाना चाह रहा था। सेट द पावर मोड फॉर द बेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है ये सब कर लेंगे कोई बात नहीं। टर्न ऑफ माय स्क्रीन आफ्टर 3 मिनट्स, अरे नहीं यार 3 मिनट्स में नहीं, कोई फोन थोड़ी ना 3 मिनट्स में कोई ऑफ करेगा, लैपटॉप है तो थोड़ा चलने दो ना। ओके टर्न ऑफ माय स्क्रीन, ओके सो अभी हम फिर से बैक हो जाते हैं। ओके यहाँ पे है पावर कंजम्पशन कार्बन एमिशन, ओह माय गॉड, तो ये है यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ओके सो इंटरनेट पे जा रहा है, ये सेटिंग्स के बारे में कुछ था, बैटरी सेवर मोड है, टर्न्स ऑन है 20%, देख सकते हैं 20% पे पावर सेवर सेटिंग है, आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं कितने पे करना है आप हिसाब से। टर्न ऑन नाउ, बैटरी यूजेस का मैंने दिखाई दिया था ग्राफ, ओके सो अब हम नहीं देखना है इसका, और बैटरी में इतना ही था पावर बैंक बैटरी में। ओके सो अभी हम अच्छा क्या हम इन ग्राफ्स पे ड्यू डिटेल इन्फो में करते हैं तो क्या आता है, लाइक यहाँ पे ड्यू डिटेल इन्फो है इस पे देखते हैं। अच्छा ओके सो यही है ड्यू डिटेल इन्फो में, यही है ये येलो बना हुआ है आप देख सकते हैं, इस पे लिखा येलो पे 10 एम पे 82% था और इस पे है 9 एम पे 19% था। सो आप 1 घंटे में समझिए चार्जिंग स्पीड इस तरह का है, कुछ 19% से 1 घंटे में 82% हुआ है ये चार्जिंग टाइम था मुझे लग रहा है। ये है 11 एम पे 84%, ये रनिंग टाइम हो सकता है 12 एम पे 86%, रनिंग कम लाइक इस तरह का इसमें दिखाया है। सेटिंग क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, अच्छा कलर्स भी चेंज कर रहा है मुझे, अच्छा हो सकता है इसके नीचे को कुछ डिटेल्स दे रहा हो गया। ओके सो आप देख सकते हैं लाइक इस टाइम में जैसे मुझे चेक करना है कि इस टाइम पे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर रन किया था, 5 AM पे 87%, तो आप ये देख सकते हैं बैटरी नहीं नो ऐप था। ओके सो हम इस पे आ गए, अभी भी कोई ऐप नहीं है, अभी हम इस पे आ गए तो 12 PM पे 86% था और यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोई ऐप नहीं था, यहाँ पे यस 2 PM पे 60% दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 2 PM पे 60% बैटरी है और यहाँ पे बता रहा है कि क्या सॉफ्टवेयर रन हुए थे इस टाइम में। ओके सो ये फीचर बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हर एक यूनिट पे हर एक टाइम पे एक्चुअली टाइम इंटरवल पे भी आप देख सकते हैं, लाइक ये देखिए इस पे टच किया हमने 4 PM 60%, ये कोई रन नहीं है, यहाँ पे देखिए ओके 5 PM 68%, माय गॉड ये फीचर तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है अच्छा इस पे क्या दिया हमें भी देख लेते हैं येलो कलर पे, ओके ये रहा बैटरी यूजेस पर ऐप, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 9% बैटरी था तो इतना सारा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है। ठीक है ये अभी हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 10 बजे 82% था मुझे चार्ज भी हुआ उस टाइम में। ओके
तो ये मुझे अच्छा लगा बैटरी का, ठीक है। सो बैटरी का फीचर तो हो गया, अब हम बैक होते हैं थोड़ा सा पर्सनलाइज यहाँ पे थे, ठीक है, बैकग्राउंड में आ गए अभी हम, ओके। सो अब हम आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन तो हो गया हमारा ऐप में, यस एप्लीकेशन में देख सकते हैं आप इंस्टॉल्ड ऐप, कुछ इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स थे और कुछ हमने अभी डाला इसमें। सो अभी हम दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा ऐप है इसके अंदर फिलहाल, तो हम टू फिंगर्स का ही स्वाइप का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ऊपर। आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या क्या साइज़ के हैं इसमें दिखा रहा है। सो बहुत लोगों का लाइक क्यूरियोसिटी होता है कि कितना बड़ा साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ब्लेंडर पड़ा हुआ है इसमें, ये वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है 1 GB का है। और नीचे चलते हैं दोस्तों, तो ये रहा छोटे छोटे सॉफ्टवेयर तो पहले से प्री इंस्टॉल्ड थे एक्चुअली, क्योंकि हैवी लैपटॉप है तो पड़ेगा ही। अच्छा ये देखिए 3.77 GB का डाविंची है एक्चुअली, सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटर का ही सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। ये सब हैवी सॉफ्टवेयर है, आप इस अंदाजा इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि ये कौन सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा लाइट सॉफ्टवेयर होता है। तो हैवी सॉफ्टवेयर आप देखिए 3.77 GB का इसमें पड़ा हुआ है, लाइक कुछ गेम तो 15-15 GB के भी होते हैं, मैंने देखा था 10 GB 20 GB इस तरह के भी गेम्स आते हैं। ओके सो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स, इसके जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स थे मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिया इन्होंने शायद 1 महीना 1 साल का इस तरह का दिया, 1 GB का पहले से पड़ा है। मीडिया प्लेयर भी है और माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स और क्या क्या है, मूवीज, टीवी, मोज़िला फायरफॉक्स, कुछ हो सकता है लाइक मोज़िला फायरफॉक्स अभी मुझे हटाना है तो क्या मैं हटा सकता हूँ, नहीं अनइंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है। तो आप मतलब मे भी हो सकता है कि जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें पड़े हैं हटाने के लिए भी है, तो जो कोर सॉफ्टवेयर हो तो नहीं हटा सकते। यहाँ ग्राफिक्स इसका एनवीडिया का है, एनवीडिया का 8 GB का ग्राफिक्स है मैंने देखा था। ऑफिस है, ऑफिस में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, एडवांस ऑप्शन भी आ रहा है, एडवांस में शायद परचेस का ऑप्शन देगा क्योंकि ये इसमें मतलब परचेस करना ही पड़ेगा अदरवाइज हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके प्रीडेटर सेंस है शायद, ये प्रीडेटर सेंस या ये सब यूज़ करके ना शायद लाइट्स को ऑन करता है शायद, मैं इतना श्योर नहीं हूँ। ओके सेंड एनीवेयर ये तो हमने डाला था, थंडरबोल्ट वॉइस वेदर, ओके सो ये रहा सारा सॉफ्टवेयर हमने दिखा दिया। रनिंग तो बहुत ही स्मूथ है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो हम इधर आगे बैक, अब अकाउंट्स तो ये तो पर्सनल डिटेल्स है, आप देख सकते हैं योर वन ड्राइव इज ऑलमोस्ट फुल, ये सब है। आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट 365 फैमिली, यस प्राइस फॉर फ्री, एक्चुअली फ्री मैंने देखा था 1 हफ्ते के लिए था, 1 हफ्ते तक ये फ्री देता है, उसके बाद में ये चार्ज लगेगा। और चार्ज भी क्या है ना एक्चुअली फ्री के टाइम इन्होंने ये आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और फिर उसके बाद में ही आपको मतलब लाइक यूज़ करने देंगे। ये पर्सनल योर इन्फो में क्या क्या डेटा आती है, फोटो लाइक यहाँ पे आप फोटो भी अपना लगा सकते हैं, ये सब तो हर किसी में होता है, मैनेज अकाउंट हमें नहीं करना है। साइन इन ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शंस दिया है देख सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन भी है, फिंगरप्रिंट, ओके यस फिंगरप्रिंट दिस ऑप्शन इज करेंटली अनअवेलेबल है, ध्यान रखिएगा इसमें फिंगरप्रिंट कहीं भी दिया नहीं था। जनरली मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स में यहाँ होता है, कुछ ये पावर बटन के साथ देते हैं। अच्छा पावर बटन सिंपली टच एंड गो है, लाइक टच किया आपने ऑन हो गया इस तरह का। इस बटन का फीचर देखिए अभी ग्लो कर रहा है, पहले ब्लू था अभी ग्रीन है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी देखूंगा, मुझे भी आइडिया नहीं एक्जैक्टली कि कैसे, मुझे इतना पता था कि जो आरजीबी लाइट लगे हैं इसके बैक साइड में, आरजीबी स्ट्रिप उसको ऑन करने के लिए यूज होता है, उसको कॉन्फिगर करने के लिए। बैक स्पेस थोड़ा सा शॉर्ट है, थोड़ा सा लेंथ कम है, टच पैड ठीक है। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सेटिंग्स, फिंगरप्रिंट है ऑप्शन नहीं है, फेशियल रिकॉग्निशन भी नहीं है, सॉरी ओके यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन में भी हो सकता है अपडेट या अपग्रेड कुछ दें तो फिर शायद आए। फिंगरप्रिंट तो कहाँ से आएगा, हार्डवेयर नहीं है बट फेस का दे सकते हैं क्योंकि कैमरा है इसमें। पिन है, पिन तो आप रहता ही है, सिक्योरिटी की ये सब तो सारे उसमें होते हैं, नया नहीं है इसमें। डायनेमिक लॉक क्या है ये, ओके लॉक विंडोज ऑटोमेटिकली लॉक योर डिवाइस वन यू आर अवे, नहीं करना अभी फिलहाल में। सिक्योरिटी के लिए है, अगर जो किन्हीं लोगों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है तो यस दिस लैपटॉप इज बेस्ट फॉर यू। डायनेमिक लॉक के बारे में हम कुछ, ओके अलाउ विंडोज ऑटोमेटिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये डाइनिंग क्लॉक। ओके सो बैक टू होम, टाइम एंड लैंग्वेज, टाइम जोन में फिलहाल लैंग्वेज ओरिजिनल यूनाइटेड स्टेट्स यूज है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको इंडिया कर सकते हैं, नहीं एक ही ऑप्शन है एक्चुअली इसमें, यहाँ पे चूज करने के लिए लैंग्वेज ऑप्शन में बेसिक हिंदी भी है। ओके क्वेरी इसमें मैंने देखा लैंग्वेज हिंदी भी दिया है एक्चुअली, बेसिक आईडी में हिंदी भी दिया है एक्चुअली, इनबिलिटी है शायद। कंट्री और रीजन में हम चूज़ कर लेते हैं इंडिया। ओके इंडिया कंट्री इंडिया, रीजनल फॉर्मेट रिकमेंडेड ही रखो। सेटिंग चेंज करना है तो आपको चेंज कर सकते हैं वैसे तो, यहाँ पे देख लीजिए पहले हमारा क्या क्या है। ओके ग्रिगोरियन कैलेंडर है, डेट है 28/10/2023 सैटरडे, सो ये सब तो नॉर्मल है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के सेटिंग्स है, मुझे नहीं पता किसके इंटरेस्ट है ये, आप लोगों में से दोस्तों किसी के इंटरेस्ट का तो ये भी आपके काम का हो, ये मुझे किसी बहुत ज़्यादा डिटेल आइडिया नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके सो हम इसको रिकमेंडेड पे रखते हैं। ओके टाइपिंग यस, स्पेल चेक, सो ये देखिए कीबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन दिया है, प्रेस की साउंड्स एज आई टाइप, ओके साउंड ऑन करने के लिए कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ई सेंटेंस, वाओ ये सब फीचर्स अच्छे हैं यार, एट ए पीरियड आफ्टर डबल टैप, ये सब मोबाइल फीचर्स एंड्रॉइड फीचर्स दिया है बहुत अच्छा, सो टच कीबोर्ड में जस्ट नो कूल अटैच्ड। ओके सो टेक्स्ट सजेशन है, मल्टी लैंग्वेज टेक्स्ट सेटिंग्स हैं यार, ये तो बहुत बढ़िया एंड्रॉइड सेटिंग्स है एक्चुअली, इसमें सारे एंड्रॉइड फोन के ही दिए हैं। ओके एडवांस कीबोर्ड सेटिंग्स में देख लीजिए क्या क्या दिया है, यूज लैंग्वेज लिस्ट यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश इंडिया, एक ही लैंग्वेज है तो सीरीज बात है बाय डिफॉल्ट वही लेगा ये। रीजन लैंग्वेज इसमें क्या क्या है, ये तो हम यहाँ पे होके जा चुके हैं ऑलरेडी,
विंडोज़ बैकअप में क्या क्या है, यस यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बैकअप का डिटेल दिया हुआ है ये। ओके सो बैक एडवांस कीबोर्ड सेटिंग था लैंग्वेज रीजन। ये क्या है, इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन, क्या क्या फीचर्स दिए हैं यार, कस्टम डिक्शनरी नहीं, ये सब फीचर्स तो एक्चुअली क्या ना ज़्यादा लोगों के यूज़ का होता नहीं है दोस्तों, मैं क्लियर बता दूँ। जो गेमर्स है देखिए उनको गेमिंग से रिलेटेड है ये, टाइपिंग उनके कौन घुसेगा, जो सॉफ्टवेयर यूजर है टाइपिंग उनके उनके फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सॉफ्टवेयर पर ही काम करते हैं ज़्यादातर। एक्स गेम कैप्चर्स में क्या क्या है, सेव लोकेशन रिकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस में यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए वैसे किसी के काम का तो हो सकता है, कुछ भी मुझे नहीं आ रहा है किसी के काम का क्या फीचर है एक्चुअली। ये ग्राफिक्स में देख लीजिए कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया है, कैमरा माइक्रोसेंसर, ओके तो ये हो गया कुछ कुछ। ओके और लैपटॉप तो देखिए अभी नया है, स्मूथ ही रहेगा, 16 GB रैम है, एक टीवी का SSD डिस्क है, सो सीधी सी बात है स्मूथनेस में कोई कंप्रोमाइजेशन का कोई चांस नहीं है। मैं अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा कि लाइक अगर जो आपको कभी लैपटॉप लेना है ना, तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि लैग ना करे, तो अगर जो आप इस तरह का कोई प्रायोरिटी है तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कोई भी लैपटॉप लीजिए तो उसमें SSD डिस्क लेना है, लाइक हार्ड डिस्क जो होता है ना उसमें HDD लिखा होता है, आप SSD प्रेफर करिएगा। हाँ दोनों में अंतर होता है, दोनों में रेट बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा SSD लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा HDD से, लेकिन वो थोड़ा ना वन टाइम महंगा होता है, लेकिन आपको SSD ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा अच्छा है, आपका हैंग नहीं करेगा और जो डॉक्यूमेंट फाइल्स एक्सेस है स्पीड बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो पैसा एक्चुअली कंपनी कभी भी लेती है ना तो इन सब चीज़ों का चार्ज लेते हैं, तो आप ऐसे नहीं सोचना है कि वो बेकार का चार्ज ले रहा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा यहाँ पे मैक्स रिकॉर्डिंग लेंथ, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग लेंथ दिया है 2 घंटा 4 घंटा, आप देख सकते हैं अगर किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर किसी कोई करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है कुछ कुछ। लोकेशन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ओके कैप्चर ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग का गेम, ओके वीडियो फ्रेम देख सकते हैं 60 FPS तक का इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो का 30 का रिकमेंड कर रहा है मुझे नहीं पता क्यों। वीडियो क्वालिटी स्टैंडर्ड हाई दोनों ऑप्शन है, ग्राफिक्स में हम तो अभी घुसे थे है ना, यस ग्राफिक्स में हम जा चुके थे, सो एक्चुअली सेटिंग पेज पे हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, बाकी और लैपटॉप में एक्चुअली होता ही क्या है सेटिंग, आप देखिए सेटिंग से आपको बहुत सारे आइडिया निकल जाएगा कि लैपटॉप आपके काम का है या नहीं काम का है, आप यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये रहा HDR किस तरह का सपोर्ट कर रहा है, इंटरनल डिस्प्ले, ओके कैलकुलेट करने के लिए है, ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ, देखिए कुछ कुछ सेटिंग तो नहीं चले जाता तो अच्छा है, ओके एक्सेसिबिलिटी में देख लीजिए क्या है ऑप्शन, टेक्स साइज में फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले फीचर है, ओके नाइट लाइट भी है, नाइट लाइट ऑन किए तो वाओ, सो इस तरह का रात में रीड करने के लिए देख सकते हैं आप, चेंज फिर से देख लीजिए नाइट में इस तरह का ही, लाइक मोबाइल फीचर दिया है काफी अच्छा मुझे लगा, एंड्रॉइड फीचर काफी दिया है इसमें, एडवांस डिस्प्ले है, डिस्प्ले रिफ्रेशिंग रेट, या इसका रिफ्रेशिंग रेट मैंने देखा था कि यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है 240 GHz, ध्यान रखिएगा रिफ्रेशिंग रेट काफी अच्छा है, अभी तो मोबाइल जो आते हैं उसमें 160 90 120 इस तरह के आते हैं, उनका तो 120 होते ही उसको हाईलाइट करने लगते हैं, बट ये 240 ध्यान रखिएगा 240 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट है दोस्तों इसका। और ये डिस्प्ले जो है WQXG है, एक्चुअली सब फीचर्स दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट है, इसके बारे में मुझे भी बहुत आइडिया नहीं है, बट अगर जो आपको समझ है तो ये देख सकते हैं, चूज रिफ्रेशिंग रेट भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे 240 ऑप्शन से 120 60, तो मुझे लग रहा है जो नॉर्मल लैपटॉप है ना उसमें 120 का ही आता होगा या और कम वाले बेसिक लैपटॉप में 60 के आते होंगे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, फिलहाल इसमें मैक्सिमम 240 दिया हुआ रिफ्रेशिंग रेट। ओके सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या सेटिंग था, ओके डिस्प्ले ओरिएंटेशन हो गया था, रिफ्रेशिंग रेट हो गया, ग्राफिक्स तो हमने अभी देखा था, इसमें भी ग्राफिक्स से क्या है वही है एक्चुअली बार बार दे रहा है, ठीक है और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ग्राफिक्स तो खत्म हो गया, अभी फिर से बैक करते हैं, ओके ठीक है विजुअल इफेक्ट्स में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, विजुअल इफेक्ट्स में ये सारे आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ओके बड़ा लैपटॉप है तो इतने सारे फीचर्स दिए हुए हैं यार कि मैं तो लग रहा है लंबा वीडियो बन जा रहा है दोस्तों सॉरी, लेकिन ये मैं क्या करूँ इतना बड़ा लैपटॉप है तो इतने सारे फीचर्स तो रहेंगे है ना, आपको लेना है महंगा लैपटॉप तो यार सारे फीचर्स तो चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा आपके काम का है, टच पैड टैप फोर फिंगर गेस्चर तो हमने कैसे पहले दिखा दिया था, ओके माउस पॉइंटर टच छोड़ दीजिए, टेक्स्ट कर्सर, मैग्नीफायर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, सो इस तरह के कुछ मैग्नीफायर फीचर्स मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ करना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ना रीडिंग शॉर्टकट्स दिया हुआ है ये देख सकते हैं, मैग्नीफायर का है रीडिंग शॉर्टकट्स है सॉरी, ओके रीडिंग शॉर्टकट प्लस इंटर करेंगे तो स्टार्ट पॉज रिज्यूम रीडिंग एनी की स्टॉप रीडिंग, ओके वाह ये सबसे फीचर्स है यार, ये सब प्रीमियम फीचर्स हैं, तो प्रीमियम फीचर है प्रीमियम पेमेंट है सीधी सी बात है, ओके मैग्नीफायर हो गया, कलर फिल्टर छोड़ दीजिए, कंट्रास्ट छोड़ दीजिए, नरेटर वॉइस वर्बलिटी, ओके सो नरेटर देख लेते हैं जो मुझे यूनिक लगेगा मैं उसी में एंटर करूंगा, नरेटर होम, सो नरेटर होम में देखिए कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ओके चूज अ वॉइस, आप यहाँ से अभी तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का डेविड बोल रहे हैं और एप्पल का क्या है मैं भूल गया, वो कोई लेडी है शायद डेलीगेसी, ओके सो यहाँ पे कुछ कुछ सेटिंग्स है नरेटर में दोस्तों, मुझे नहीं पता किसके काम का है, फिलहाल मेरे काम का तो नहीं लगा, चलिए नेक्स्ट, ऑडियो मोनो ऑडियो, ओके सो ये देख सकते हैं कंबाइन लेफ्ट एंड राइट ऑडियो का चैनल्स इनटू वन, प्लेस माई स्क्रीन ड्यूरिंग ऑडियो नोटिफिकेशन, वाओ साउंड वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ कुछ साउंड से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ पे है, स्पीकर ये देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ओके सो रियलटेक का स्पीकर है दोस्तों, तो मतलब ये अच्छा होता है थोड़ा, इसकी क्वालिटी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और ट्रस्ट करने की बात ही नहीं है यार, आप इतना महंगा खरीदेंगे तो ट्रस्ट की बात ही खत्म हो जाती है, ओके ओके सो अभी स्पीकर हो गया, वॉल्यूम तो क्या ही है, माइक्रोफोन अरे कैसे कैसे दिया है, कहाँ कहाँ पर दिया है माइक्रोफोन अरे के बारे में क्या क्या डिटेल दिया है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं यही एक ही है, 2 चैनल 16 बिट 48,000 हर्ट्ज़ डिलीवरी क्वालिटी है, ये हो गया माइक्रोफोन का,
ओके वॉल्यूम मिक्सर्स में है, इस तरह के कुछ कुछ हैं, वॉल्यूम मिक्सर है ये। ओके सो अभी बाहर चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा हो गया इधर। ऑडियो है, कैप्शन है, स्पीच है। ओके स्पीच में क्या क्या है देख लीजिए, वॉइस एक्सेस दिया है, वॉइस टाइपिंग भी दिया है, बस एक ही पेज है इसका एक्चुअली। अब हम चलते हैं बैक। अच्छा अगर जो आप लोगों को कोई लाइक मैं हो सकता है बहुत सारा डिटेल नहीं कुछ पा रहा हूँ कोई पर्टिकुलर चीज़ में तो आप लोग बोलेंगे तो मैं उसको फिर से लेकिन मैं कैसे भेजूंगा, कोई नहीं, मैं फिर से छोटा सा वीडियो बना के भेज सकता हूँ अगर जो लगा मुझे वो ज़्यादा जरूरत है आप लोगों के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ अगर जो आप लोग बताएंगे तो। देखिए मैं कोई एक्चुअली मैं तो दोस्त सिंपल यूज़र हूँ, सो मैं आपके जैसा यूज़र हूँ, मुझे आपके जैसा यूज़ करना है तो इसी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एसर से या इनके फीचर से तभी तक मतलब है जब मेरे काम के होंगे। ओके सो आई कंट्रोल, ओ वाओ ये सभी कुछ कुछ है यार, आई कंट्रोल है। ओके ठीक है तो अभी हम बाहर चलते हैं यार, ये सब बहुत हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई अभी। अब हम आ जाते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यस प्राइवेसी सिक्योरिटी कंसर्न तो होता है बहुत लोगों के लिए। सो विंडोज सिक्योरिटी एंटीवायरस ब्राउजर क्या क्या दिया है ये ऑलरेडी है ये, और क्या क्या सिक्योरिटी ऑप्शन दिया है, फाइंड माई डिवाइस है, यस फाइंड माई डिवाइस में कुछ कुछ इस तरह का ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट फॉर डेवलपर्स, ठीक है ये सेटिंग कम ही छेड़ना है, ज़्यादा नहीं छेड़ना है इसको। ओके तो अभी हम यहाँ पे हैं, डिस्कवरी, फाइल एक्सप्लोरर, इतने सारे तो ऑप्शन हैं, पावर सेल, रिमोट डेस्कटॉप में क्या क्या फीचर दिया हुआ है, कमाल के फीचर्स दिए, भरे पड़े फीचर्स के साथ ही भरे पड़े यार इसमें तो माय गॉड। ओके जनरल में क्या है, ये सब है यार जनरल में, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पीच, ये तो नॉर्मल है। इनकी डायग्नोस्टिक फीडबैक, एक्टिविटी हिस्ट्री, एक्टिविटी हिस्ट्री में क्या क्या देता है, क्या जो हमने किया दिखाएगा सर। ओके सर मुझे लग रहा है कुछ रिकॉर्डिंग है, क्लियर हिस्ट्री आ रहा तभी तो। एनीवे एक्टिविटी हिस्ट्री, सर्च परमिशन, सेव सर्च, क्लाउड कंटेंट सर्च, सर्च हिस्ट्री, इस तरह के कुछ कुछ ऑप्शन हैं भाई इसमें। नेक्स्ट 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 एक्टिविटी हिस्ट्री हो गया, सर्च फंक्शन हो गया, सर्चिंग विंडोज क्या है इसमें भी देख लीजिए, कुछ कुछ इस तरह के ऑप्शन हैं यार ये बस। और ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है ऐड परमिशंस, परमिशंस ग्रांट करने के लिए है, परमिशन डिनाई करने के लिए, आप इसको भी अलग से कर सकते हैं, इसमें अलग से फीचर दिया हुआ है। सो प्राइवेसी सिक्योरिटी हो गया, विंडोज अपडेट में आ जाते हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं विंडोज अपडेट में देख लीजिए। यस एक्चुअली क्या है सॉफ्टवेयर अभी तो ये नया था तो बहुत सारे आए हुए हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं, वो अपडेट के टाइम इंस्टॉल होंगे एक्चुअली कई सारे, तो ये सब तो मिलता ही रहेगा अपडेट। ओके सो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इन पे तो हमने दिखा दिया, और फिर से हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि आप लाइक इसकी प्रॉपर्टीज को हम फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये देख लीजिए सारी प्रॉपर्टीज तो यहीं पे, हमने यहीं से एंट्री किया था यहाँ से इस पैनल से, ठीक है। ये हो गया कंट्रोल पैनल, यहाँ पे है कंट्रोल पैनल भी देख लीजिए, आप किसी के काम आए ये लार्ज आइकन्स करके पूरा देख लीजिए, ये सारे हैं फीचर्स ऑप्शंस। ओके आई होप कि मैं सारा कवर कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे है क्योंकि विंडोज 11 में तो यहीं से दिया हुआ था ऑन ऑफ करने का और सब कुछ करने का, ध्यान रखिएगा विंडोज 11 में यहाँ से ही इसी आइकन को क्लिक करेंगे तो ये पावर ऑफ सब कुछ यहाँ से है ऑप्शंस। तो ये सॉफ्टवेयर भी हैं कई सारे सॉफ्टवेयर, पहले एक्चुअली यहाँ पे साइड में दिया था, अभी यहाँ पे दिया है साइड में, अब दिखाते हैं क्या है ये फीचर, ये दिया है कुछ कुछ ये देख सकते हैं, मैंने कुछ एक फोटो कैप्चर किया था, न्यूज हाइलाइट्स लाइक एंड्रॉइड फोन में भी होता है ना, लेफ्ट साइड से स्वाइप कर देते हैं राइट की तरफ, तो कुछ कुछ इस तरह के होम पेज पे जाके आप स्वाइप जो करते हैं सेम वही फीचर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, और बाकी इधर सर्च का ऑप्शन है ये तो, ओके इसका डिस्प्ले देख सकते हैं आप, दो डिस्प्ले का, ये सब एक्चुअली OS 11 का ही कमाल है, ये सब तो हमने डाला है। ओके यहाँ पे इस तरह के कुछ कुछ है, ठीक है। सो आप कीबोर्ड की तरफ देख सकते हैं, कीबोर्ड में एक स्पेशल बटन है, मुझे नहीं पता इसका क्या फीचर है, देखना पड़ेगा, और RGB लाइट को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जरा आप लोगों को। अच्छा तो मैंने दोस्तों अभी एक्चुअली एक यहाँ पे जो बटन था ना ये वाला, ये शायद गेमर्स के लिए स्पेशली है। ओके तो ये ऐसा है कि यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था, ये प्लेनेट 9 के नाम से, आप देख सकते हैं प्लेनेट 9 स्टफ के नाम से दिया था, मैंने इसको क्लिक किया था तो ये कुछ कुछ इंस्टॉल हुआ है, 100% हो गया है, थैंक यू हो गया है, यस कर लो क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होता है, यस करने के सिवा इनके कंडीशंस को भी एक्सेप्ट करने के सिवा आपके पास चॉइस नहीं होता है। कुछ कुछ इंस्टॉल तो नया है तो होगा ही। अच्छा मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको जब मैं प्रेस किया इस बटन को, ध्यान रखिएगा इसको जब प्रेस किया हूँ तो कुछ कुछ ये रहा GPU मोड, वाओ माय गॉड क्या तुमने यार कमाल की चीज़ें भाई साहब। वैसे मैंने तो गेमिंग के लिए नहीं दिया था, वीडियो एडिटिंग के लिए दिया था सिनेरियो। ओके आप देख सकते हैं यहाँ से ना यही है इनेबल करने का, लग रहा है RGB लाइट इनेबल करने का साइड, इको है, बैलेंस्ड है, नो डेली यूज, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दिया है दोस्तों, तो ये ना मुझे लग रहा है यहाँ से RGB लाइट को ऑन कंट्रोल करने का सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऐप सेंटर में क्या है, कुछ इस तरह के ऐप सेंटर से देख सकते हैं आप लोग। ओके सो अभी हमने चार्जर कनेक्ट किया है तो कुछ कुछ इस तरह से चल रहा है लाइट, माय गॉड वाओ। ये सॉफ्टवेयर फिलहाल हम बंद करते हैं, फिर से दिखाएंगे। ओके ये अभी हमने एडाप्टर लगाया ही था,
कुछ कुछ इस तरह का। अच्छा, लैपटॉप में कोई इंडिकेटर नहीं है वैसे तो, कुछ कुछ लैपटॉप्स मैंने देखा कहीं यहाँ पे छोटा सा इंडिकेटर देता है, इसमें इंडिकेटर नहीं है, सारे इंडिकेटर्स इन्होंने लैपटॉप में डाल दिए। अच्छा, कीबोर्ड में आप देख सकते हैं इस तरह कुछ गैपिंग था, तो ये सारे लाइट्स गए। ओके, सो अभी हम फिर से इस की पे, लाइक गेमिंग की पे चलते हैं। वाओ, ठीक है, मॉनिटरिंग है यहाँ पे, क्या क्या है देख सकते हैं। ओके, सिनेरियो में क्या क्या सिनेरियो है, फैन कंट्रोलिंग, माय गॉड, ये कुछ फैन कंट्रोलिंग फीचर्स दिया है, ऑटो, ओ वाओ। तो हमने मैक्स पे किया तो ये देखिए फैन का आवाज़ भी आ रहा है। ओके, सो यहाँ से सेटिंग है फैन का दोस्तों, कस्टम भी कर सकते हैं, ऑटो भी रखते हैं। एक्चुअली ये दिया है जो गेमर्स के लिए है, एक्चुअली जो गेम खेलते हैं उनके लिए, हमें तो इतनी जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल, शायद आपके काम का हो ये। और यहाँ पे पल्सर लाइटनिंग, ओके, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे लाइटनिंग किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम, एरिया, ग्लोबल ब्रीचिंग, सिनेरियो है डेली यूज, यहाँ पे देख सकते हैं गेमिंग। सो गेमिंग में मैंने देखा, गेमिंग में अभी देखिए सिनेरियो हमने जो चेंज किया ना, तो लाइट्स कुछ चल रहा है, ये रहा डेली यूज के उसमें सिनेरियो में। अब हम इसको गेमिंग में करते हैं तो क्या ऑन होता है, क्या ऑफ होता है। ओके, गेमिंग में हुआ, अच्छा ये अभी गेमिंग में शायद ये टर्न हो रहा है एक्चुअली, इस तरह का कुछ कुछ है। सो कीबोर्ड का एक्चुअली बैकलाइट तो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं कलर ग्रीन था अभी तक, ये पर्पल कलर, ब्लू कलर में शिफ्टिंग हो रहा है। अच्छा, इसके आप बैक साइड में भी देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा जब डार्क होगा ना तो आप लोगों को रात में बहुत सुंदर लगेगा वैसे तो। अभी मैं दिखा रहा हूँ फिर से, लाइक इसको हमने चेक करने के लिए डेली यूज में मैंने मोड में चेंज किया, यहाँ पे ये इस तरह का ये बैक साइड का व्यू। ओके, सो अभी मैं देखता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको डेली यूज से हमने चेंज किया गेमिंग मोड में, फ्रंट पर हम दिखा दिए, गेमिंग मोड में देखिए इस तरह से कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे ना देखिए हीलियोस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अभी देखिएगा यहाँ पे हीलियोस, यस देखिए हीलियोस लिखा हुआ है ये अब फिर से हम दिखा रहे हैं, लाइक डेली यूज पे स्विच किया हमने। सो ये देख सकते हैं, इस स्ट्रिप पे भी लाइट जल रहा है, मतलब लाइट का तो कमाल करके रखा है, एकदम भर भर के दिया है इन्होंने ये सब चीज़ें, तो कोई ओकेजन के लिए दिया है कभी कभार के लिए। तो यहाँ पे भी फिर से ये एक्चुअली क्या है, ये मुझे लग रहा है लाइक क्या है, एक्नॉलेज कर रहा है कि यस वी आर रेडी फॉर योर सेटिंग, थोड़ा अट्रैक्टिव है ये सब चीज़ें, कोई डाउट नहीं है। डेली यूज़ पे रखते हैं, एडवांस सेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, एडवांस सेटिंग में कुछ कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे भी आपका ना कुछ कुछ मोड था, मैं देख रहा था चेंज हो रहा था, लाइक अभी देखिए डेली यूज़ था ये, अब हम इसको चेंज करते हैं गेमिंग में, तो यहाँ भी ये फैन है और क्या क्या है सब चेंज हो रहा है, ये सब भी देख सकते हैं हम, यहाँ बैठने थोड़ा सा बढ़ाए, थैंक यू। ओके, सो ये सारे मोड्स हैं, ये मुझे लगा ये बताएगा सीपीयू कितना परसेंट, कितना अच्छा टेम्परेचर दिया सीपीयू का, ये परसेंटेज दिया, कितना यूटिलाइज किया जब गेम खेलेंगे। सो तो अभी तो हमने कोई गेम यूज़ नहीं किया है, हमें आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पर डिटेल्स है क्या क्या है, इसके डिटेल्स में क्या क्या है ये देख सकते हैं, कुछ कुछ डिटेल्स इस तरह से खुल रहा है, और यहाँ पे डिटेल्स में क्या क्या दिया है ये देख लीजिए। ओके, डेली यूज़ में ऐसा है, ये सब प्री सेटिंग है, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है हमसे सेटिंग्स हट जाते हैं, तो मैं इसलिए भी दिखा रहा था, मान लीजिए कोई अपने सेटिंग को नहीं पा रहा है या क्या था वो देख लेगा, तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो सिनेरियो है, टर्बो मोड है, टर्बो मोड में इस तरह के, वाओ, बैलेंस्ड है, क्विट है, चार्जिंग लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए चार्जिंग के लिए दिखाया है, अभी हम फिर से बैटरी बारे दिखा देते हैं, बैटरी हमारा वहाँ से आ जाएगा, अच्छा यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। सो अभी देख लीजिए चार्जिंग फिर से दिखा रहा है, चार्जिंग है, टाइम ऑन फ्री चार्जिंग, आधे घंटे में ये 50% जैसा चार्ज कर देगा, तो फास्ट चार्जिंग है, 330 वाट का है, तो उसका इफेक्ट तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही, ठीक है। सो अभी फिर से इधर आ जाते हैं, एक्चुअली इसका मेन तो सेटिंग है ही है गेमिंग का ही। ओके, ऐप सेंटर्स, मॉनिटरिंग, सिनेरियो, होम, ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता गेम कैसे खेले जाते हैं इसमें यार, क्योंकि मैंने तो, मैं एक्चुअली गेम एडिक्टेड पर्सन नहीं हूँ, सो सॉरी, जो गेम के लिए ही इसको लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बना हुआ लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिवाइस से रिलेटेड डिटेल है, कुछ वर्जन दिया हुआ है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं फिर कुछ क्या क्या ऑप्शन आता है ये। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोड हो रहा है, ये एक्चुअली मेन गेमिंग सेटअप में जाने के लिए, लाइक गेमिंग सेटअप है और आरजीबी से रिलेटेड सेटिंग, तो मुझे लग रहा है यहीं से आ जाएगा, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, इस पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या क्या है, इस तरह का है कुछ कुछ। ओके, सो अभी हम बंद करते हैं इसको और देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या ऑप्शन है व्यू में, इस तरह के कुछ कुछ ऑप्शन है, शॉर्ट बाई में, ये सब तो बाय डिफॉल्ट ओएस का होता है, तो इसमें नथिंग न्यू एज यूजुअली है। डिस्प्ले सेटिंग आप यहाँ से भी जा सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में हमने जो दिखाया था ये वही डिस्प्ले सेटिंग पेज खुल रहा है, और क्या ऑप्शन है पर्सनलाइज में भी हमने ये भी दिखाया था आपको, पर्सनलाइजेशन में जाने के क्या क्या ऑप्शन आते हैं। सो यहाँ से गए, फिर नेक्स्ट है हमारा
ओपन इन टर्मिनल, क्या है ये, कुछ नया मुझे लग रहा है। ओके सो आप पहले रन कमांड करके हम लोग जो यूज़ करते थे रन कमांड एक्चुअली, ये वहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया इन्होंने एक्चुअली ओपन इन टर्मिनल। सो मोर ऑप्शंस में क्या क्या है, ओके एनवीडिया कंट्रोल पैनल दिया है, न्यू में यहाँ पे भी सेम है, डिस्प्ले सेटिंग पर्सनलाइज, एनवीडिया कंट्रोल पैनल में देख लेते हैं क्या है इसमें, जो ग्राफिक्स है एक्चुअली एनवीडिया का ही है। ओके सो ठीक है, एग्री कर ही लेते हैं, अभी तो कुछ आया नहीं। अच्छा ये देखिए हमने अभी एक अमेज़न, ओके सो यहाँ पे कुछ कुछ आया है एनवीडिया का डिटेल, सेटिंग सर ये हो सकता है लाइक ग्राफिक्स का यूज़ करके कैसे हम यूज़ करना है, मैंने 3D सेटिंग्स ये सारे दिया हुआ है जो ग्राफिक्स पे काम करना चाहते हैं जिनको ग्राफिकल कार्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, यहाँ से देख सकते हैं कुछ सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो ये रहा हमारा एनवीडिया का ग्राफिक्स, एक्चुअली एनवीडिया का ग्राफिक्स मैंने देखा बहुत अच्छा है, सोनी लैपटॉप में भी पहले से प्रिंट आते थे सारे, फिलहाल इसमें 8GB का ग्राफिक्स है। अच्छा ये रहा हमारा एमएस ऑफिस, बहुत लोगों का कंसर्न होता है कि ये लाइक क्या है क्या नहीं है, ये देखिए हमने जैसे ही थोड़ी देर होल्ड किया तो ये आ गया ट्राई फॉर, अच्छा फ्री 5 डे पास है, ध्यान रखिएगा सिर्फ 5 दिन के लिए फ्री, उसके बाद में चार्जेस हैं, और दूसरा ऑप्शन नहीं, हम जैसे ही तो क्लोज करेंगे ये बंद कर जाएगा, यानी हमारे पास में लिखने के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम होता है, लाइक हमने टाइप किया कुछ टाइप किया इन्होंने फिर से आ गया ये ऑप्शन, सो वी हैव नो वे टू स्किप दिस थिंग, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है, आपको परचेस ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली, या आपके पास में क्रैक वर्जन है तो आप क्रैक वर्जन यूज़ करिए, अदरवाइज आप परचेस कर सकते हैं इसको। ओके सो मुझे लग रहा है लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं वैसे तो, बाकी अगर जो कुछ आप लोगों को जरूरत होगा रिकमेंड करिएगा तो मैं जरूर इसको एक बार मैं फिर से बना के दिखाऊंगा। अच्छा यहाँ पे तो लाइक ये विंडोज़ अपडेट का जो आपको दिखाया था कि नया है तो सब कुछ ये रिस्टार्ट के लिए मांग रहा था, अभी हमने रिस्टार्ट नहीं किया है। ओके और यहाँ पे सेटिंग्स में क्या क्या है, लाइक ये यहाँ पे एनवीडिया ग्राफिक्स है, जी फोर्स, ओके ग्राफिक्स के बारे में डिटेल्स है सारा, जैसे केयर है, न्यूज हब, नेट स्पीड मीटर, एक्चुअली तो डाउनलोड किया था हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, मैकेफे है, मैकेफे इंस्टॉल्ड है शायद एक महीने का ट्रायल वर्जन इन्होंने भी दिया है, तो सॉफ्टवेयर के मामले में देखा जाए एमएस ऑफिस भी नहीं दिया इन्होंने और लाइक एंटीवायरस भी नहीं दिया है, और एंटीवायरस आप अलग से परचेस कर सकते हैं। ओके सो अभी हम फिर से इसकी कोई बार प्रेस करके देख लेंगे क्या सेटिंग्स से दिखा दें, एक्चुअली यहाँ पे मुझे एक नया चीज़ क्या दिखा, लाइक ये आप देख सकते हैं बैलेंस्ड है एसी पावरिंग में, क्या क्या है बैलेंस्ड परफॉर्मेंस टर्बो, ओके मतलब आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइज भी कर सकते हैं, इसमें गेमिंग मोड जो अलग से देखिए अभी दिखा रहा है नन ऐप लिंक्ड, अभी एक्चुअली कोई एप्लीकेशन ही हमने नहीं डाला है सो इसलिए कुछ खास तो नहीं दिखेगा इधर, रेन ड्रॉप स्टैटिक ब्रीदिंग वेव ऑल्सो लाइटिंग, एक्चुअली क्या लाइटिंग का ये सारे फीचर है, स्नो हार्ट बीट, अभी तो रेन ड्रॉप है, अच्छा मान लीजिए ब्रीदिंग पे करते हैं तो क्या करेंगे, ओके कुछ चेंज तो क्या नहीं हुआ, मे भी हो सकता है यूज होने पर आएगा ये स्टैटिक, इसका यूज फिलहाल तो हमें पता नहीं चल पाया अभी इस बटन का यूज, मे भी हो सकता है इसको थोड़ा आप लोग देखिएगा, मुझे नहीं आइडिया इसमें, ऐसे तो प्रेस करने पे तो कुछ कोई ऑप्शंस तो इनेबल या डिसेबल टाइप का नहीं हो रहा है, ओके वन टेस्ट पे तो नहीं हो रहा है। अच्छा इन्होंने ये जो प्लैनेट 9 करके दिया था, प्लैनेट 9 में देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन, एक्चुअली इनका इनबिल्ट सॉफ्टवेयर यही था प्लैनेट 9, नाम से तो ऐसा लग रहा है कुछ गेम से ही रिलेटेड होना चाहिए ऐसे तो, ओके इंटरनेट, यहाँ पे कुछ लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दे रहा है, सब वही सब गेम से ही रिलेटेड है। ओके देखते हैं क्या टॉपिक मुझे नहीं जाना इतना, ठीक है ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि मैं शायद आप लोगों को सारे इसके एस्पेक्ट्स और सारे इसके स्पेसिफिकेशन दिखाने में मैं आपको दिखा पाया हूँ इसके सारे स्पेसिफिकेशन, फिर भी कहीं कुछ रह गया होगा तो आप लोग मेंशन करेंगे तो मैं जरूर इसको दिखा दूंगा। सो आप लोग देख लीजिए इतने एंगल से ही हम देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी, हमारी बॉडी साथ विजिबिलिटी एंगल बहुत जबरदस्त है रही है, कलर ही एक्चुअली ब्लैक कलर था ध्यान रखिएगा, और शायद ये फ्रेम तो मेटलिक है लग रहा है, मेटल का ही है, सो इतना हद तक यार हम इसको देख सकते हैं। वाह ओके दोस्तों, तो हम डिवाइस मैनेजर को एक बार देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आ रहा है डिवाइस मैनेजर में, यहाँ से सर्च कर देते हैं, ठीक है डिवाइस मैनेजर यहाँ पे है कुछ कुछ ऑप्शंस, बैटरी डिस्क ड्राइव सही है, सो आप देख सकते हैं ये रहा डिस्क ड्राइव डिटेल, सैमसंग का लगा हुआ है,
ये देखिए वॉल्यूम्स तो कर हमने क्यों बनाया है ड्राइवर्स देखते हैं डिटेल्स में देख लेते हैं यही है। तो डिवाइस मैनेजर में ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें स्टोरेज कंट्रोलर्स सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हमने डिवाइस मैनेजर में तो ज़्यादातर तो लाइक तो देख रहे हैं डिटेल्स ये जो है डिवाइस मैनेजर में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इसके अंदर इनबिल्ट क्या क्या है करके फॉर्मवेयर डिवाइस फॉर्मवेयर सिस्टम फॉर्मवेयर कीबोर्ड ओके यहाँ से तो कंट्रोल पैनल में तो मैंने दिखाई दिया था ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसके कंट्रोल पैनल में तो स्मॉल आइकन कैटेगरी इस तरह से जा सकते हैं लार्ज आइकन यहाँ पे क्या सारे ऑप्शन तो हैं ये तो नॉर्मल है ओएस का सेटिंग है तो आप देख सकते हैं इन जनरली सारे में रहता है तो